जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में क्या अंतर है इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी में जो भर्ती होता है ये टोटल 9 पोस्ट है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीयूपी, आसाम राइफल, बीएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, एसएसबी, तो टोटल दोस्तों 9 पोस्ट है। और जो अग्निवीर की अगर बात करेगा, अग्निवीर जीडी में ये रेजिमेंट होता है, जो रेजिमेंट होता है तो उसके बारे उसके में भर्ती होता है, जो जिसको जो रेजिमेंट मिलता है। फिर दो नंबर पे आता है दोस्तों आपको ये ऑल इंडिया का वैकेंसी होता है एसएससी जीडी में। दोस्तों ये ऑल इंडिया के वैकेंसी होता है, जब वैकेंसी निकालता है तो जैसे 50,000, 20,000, 60,000 वैकेंसी निकालता है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी होता है। और जो अग्निवीर जीडी होता है ये स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकालता है, ये ऑल इंडिया के नहीं है, ये स्टेट वाइज जैसे वैकेंसी निकालता है, कोई जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, चाहे उड़ीसा हो गया, कोई भी स्टेट का वैकेंसी निकालता है, तो स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी ये निकालता है। और स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट 4-5 इकट्ठा डिस्ट्रिक्ट करके आपको फॉर्म फिल होता है, वैकेंसी निकालता है। फिर दोस्तों इसे ये फॉर्म जैसे ये साल में एक दो तीन साल बाद छोड़ के आता है एसएससी जीडी, साल में एक दो साल बाद आपको फॉर्म देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो आर्मी अग्निवीर जीडी है ये आपको हर साल आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, साल में एक से दो बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सैलरी की अगर दोस्तों बात करेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल में, बेसिक पे आपको 21,700 लेके आपको स्टार्ट है बेसिक पे। और आपको दोस्तों जो अग्निवीर जीडी का सैलरी की बात करेगा तो इसमें दोस्तों आपको पहले साल आपको 30,000 सैलरी मिलेगा, फिर नेक्स्ट साल से लेकर आपको 4 साल तक आपको 40,000 आपको सैलरी मिलेगा। फिर एसएससी जीडी में दोस्तों अगर आपको सर्विस की बात करेगा तो आपको 60 साल उम्र तक आप सर्विस कर सकते हैं, जब तक ना आपका 60 साल उम्र होगा तब तक आप सर्विस कर सकते हैं, लेकिन अग्निवीर जीडी में आपको टोटल 4 साल आपको सर्विस है। उसके बाद दोस्तों कुछ परसेंटेज को रखा जाता है, 15 से 20% रखा जाता है, जो 15 साल के लिए, उसके बाद जो 4 साल जिसका हो जाता है वो रिटायर कर दिया जाता है। फिर सेम अगर फैसिलिटी अगर दोस्तों बात करेगा एसएससी जीडी में, कैंटीन की फैसिलिटी मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटी मिलता है, मेस की फैसिलिटी भी मिल जाता है, अग्निवीर में भी दोस्तों सेम फैसिलिटी मिलता है। भर्ती की अगर दोस्तों बात करेगा तो ये आपको एक कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर पहले एग्ज़ाम होता है एसएससी जीडी में, फिर नेक्स्ट आपको मेरिट लिस्ट जो फिजिकल होता है, फिर फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है। फिर अग्निवीर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो पहले आपको एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई होगा तो आपको फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है। फिर दोस्तों अगर मेरिट की अगर बात करेगा तो आपको एसएससी जीडी में जैसे आपको जो एग्ज़ाम में जितना आपका नंबर आएगा उसके बेसिस आपको मेरिट बनता है, लेकिन जो अग्निवीर जीडी में आपको एग्ज़ाम पे नंबर मिलता है जो, फिर आपको फिजिकल में जो नंबर मिलते हैं दोनों आपको उसमें आपको बेसिस मेरिट बनता है। एसएससी जीडी में से आपको एग्ज़ाम के बेसिस मेरिट बनता है, लेकिन अग्निवीर जीडी में आपको फिजिकल प्लस आपको जो रिटन एग्ज़ाम में आपको जो नंबर आएगा उसके बेसिस आपको मेरिट बनता है। एसएससी जीडी में दोस्तों आपको जो जाम नहीं होता है, लेकिन जो रनिंग होता है 24, जैसे आपको टाइम दिया जाता है 24 मिनट रनिंग होता है आपको 5 किलोमीटर, जो मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, 5 किलोमीटर रनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और फीमेल के लिए दोस्तों 1.6 1600 मीटर रनिंग होता है, 8.5 टाइम दिया जाता है, 8.5 मिनट। एसएससी जीडी तो एसएससी जीडी था, अग्निवीर जीडी के लिए दोस्तों आपको 1600 मीटर रनिंग होता है मेल फीमेल के लिए, मेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा, और फीमेल के लिए दोस्तों 8.5 मिनट टाइम दिया जाएगा अग्निवीर जीडी में। दोस्तों उम्र की अगर दोस्तों बात करें तो एसएससी जीडी में 18 साल से लेके आपको 23 साल से तक आपको बीच में उम्र आपको होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको छूट मिलता है, लेकिन आर्मी जो अग्निवीर जीडी होता है, जो अग्निवीर जीडी होता है दोस्तों ये 17.5 साल से लेके आपको स्टार्ट है और 21 साल तक, इसमें एससी एसटी ओबीसी कोई छूट नहीं मिलता है, लेकिन एसएससी जीडी में दोस्तों एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट मिलता है। अगर एसएससी जीडी में दोस्तों अगर छुट्टी की बात करेगा तो 60 दिन आपको ईएल छुट्टी मिलते हैं, 15 दिन सीएल मिलते हैं, लेकिन अग्निवीर जीडी में दोस्तों आपको साल में 30 दिन आपको छुट्टी मिलता है। फिर दोस्तों यही था एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में दोस्तों अंतर था।